Hello. What is this? This is marker. Okay. And what is this? This is book. Okay. What is this? This is hair. And what is A for? A for apple. What is B for? B for ball. What is C for? C for cat. And uh, what is Ch for? Ch for chamach. And what is Kha for? Kha for goats. Okay. And uh, what is D for? D for dog. And uh, what is the spelling of Sunday? H U N D Y Sunday. And uh, what is the spelling of Monday? I'm Monday, I'm Monday Oh, how two plus two? Two plus two is four. Okay, and please make two words from A. Good morning. आप <laughs> <laughs> <सब laughs> लोग <ठीक है? laughs> आज तक जितनी भी क्लासेज हम लोग किए हैं उसके बाद का क्लास कैसा होगा और कौन सा चैप्टर होगा आइए देखते हैं ठीक है मारिया? <laughs> चलिए. आप लोग को क्वेश्चन याद रखना है What is the English of dot dot or question mark? Okay, ये आप लोगों का हो गया master question। कहा इसका यूज करते हैं आइए देखते हैं बेटा सब लोग तैयार है ना चलिए मैंने आप लोग को बताया था ना कि जो भी आपके आंख से दिख रहा है yes, उसके बारे में हम बात करेंगे पहले दिन बताया था कि व्हाट इज दिस दिस इज मार्कर व्हाट इज दिस दिस इज हेयर व्हाट इज दिस दिस इज नोज व्हाट इज दिस चिक मैंने आप लोग को यह भी बताया था कि व्हाट इज दिस दिस इज सेवन व्हाट इज दिस दिस इज टेन व्हाट इज दिस This is चा। दिस इज फो व्हाट इज दिस दिस इज क्ट इज दिस दिस इज च बताया था न मैंने चलिए जैसे हम यह भी आप लोग को बताए थे बेटा कि जो भी आंख से दिख रहा है तो यह मैथ हो गया ठीक है ना ये जो है हिंदी हो गया अगर हम इंग्लिश की बात करें बेटा कि व्हाट इज दिस दिस इज ए व्हाट इज दिस This is इज आर What is this? एस वट इज this? दिस is yes. is this? This is y Y. वाई इंग्लिश की बात this is Y. And what is this? This is z. this is z इज जेड समझ मारिये तो जो कुछ भी आपकी आंख से दिख रहा हो मैं प्रश्न करने के लिए बता चुका हूं क्वेश्चन करने के लिए बता चुका हूं जैसे व्हाट इज डैट डैट इज ए सी What इज डैट डैट इज फाइल समझ है। एक चीज और मैंने बताया था उस दिन कि अगर कोई चीज आपके आंख से दिख रहा है उसका इंग्लिश नहीं जानते हैं तो हर हाँ जेव कहते हो बोलेंगे जैसे कोई पूछे कि व्हाट इज डैट और नहीं जानते हैं कि उसको क्या कहते हैं तो क्या, हैं? तो क्या कहेंगे डैट इज पंखा पंखा को पंखा ही बोल देंगे बताया था ना कोई पूछता है कि व्हाट इज दिस तो ठीक है अब बुक जानते हैं तो कोई बात नहीं है और नहीं जानते हैं कि इसकी इंग्लिश क्या है तो कहेंगे दिज़ कि दिस इज दिकर? दिकर। तो दिकर. तो कि किताब दिस इज पुस्तक समझ है ना कोई दिक्कत तो कहिए कि दिस इज किताब व्हाट इज दिस तो दिस इज जूता दिस इज मोजा बोलेंगे ना समझ है जैसे और भी बहुत सारे चीजें हैं बेटा जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपसे पूछ दिया व्हाट इज दिस तो दिस इज नोटबुक ठीक है ना पूछ दिया कि व्हाट इज दिस तो दिस इज कुर्सी नहीं जानते इंग्लिश तो हो का राइट right? लेकिन बोलने के बाद हम प्रयास करेंगे कि इसकी इंग्लिश क्या होती है राइट right? वही चैप्टर आज हम लोग पढ़ रहे हैं ठीक है हमारे यहां उसी चैप्टर को हम लोग आज पढ़ रहे हैं चलो जैसे व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि दिस इज कुर्सी दिस इज पंखा दिस इज जूता दिस इज चप्पल दिस इज सॉक्स समझ मारिए अब तो जूता का जूता आपने बोल दिया राइट कुर्सी का कुर्सी आपने बोल दिया किताब का किताब आपने बोल दिया कि दिस इज किताब दिस इज कलम कलम भी तो बोल सकते हैं ना दिस इज कलम संडा क्या नाम है आपका आदवी अद्वित वेरी गुड तो आपने किताब का किताब बोल दिया कलम का कलम बोल दिया लेकिन बाद में हम प्रयास करेंगे अपने मैडम से पूछेंगे सर लोगों से पूछेंगे मम्मी पापा से पूछेंगे जो भी आपसे बड़े हैं उन लोगों से हम उसकी अंग्रेजी पूछेंगे और पूछने का स्टाइल क्या होना चाहिए ये होना चाहिए कि व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ राइट मान लीजिए अब यहां पर राइट मान लीजिए कि आपने बोल दिया है आपने किताब का किताब बोल दिया है किसी ने पूछा कि व्हाट इज दिस तो आपने बोल दिया कि दिस इज किताब मान लीजिए कि yeah. क्या बोल दिया बेटा हाँ किसी ने पूछा कि व्हाट इज दिस आपने बोला कि दिस इज किताब राइट शब्द के लिए आप रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं क्योंकि मैं बता बताता भी हूँ नारा भी लगाता हूँ कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं वेरी गुड आज इधर आइए तो आई तो मारिया गई ध्यान दीजिएगा ये जो है एल के जी की बच्ची है हाँ जनाब आप तो दिख नहीं रही, रही बेटा चलो मैं आपको गोद उठाते हैं ऐसे बोलो अच्छा हाँ वेरी गुड वेरी गुड आप भी आइए आइए हाँ जो छोटे बच्चे हैं उनको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कैमरा में कैसे कैसे बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ हाँ आइए आप भी आइए बेटा देखिए हाँ चलिए

देख रहे ना कितने छोटे छोटे बच्चों को मैं पढ़ाता हूं ठीक है आप भी आ जाइए आज पहला दिन है इस बच्चे का क्या नाम है आपका हैंड चेक कर दीजिए बेटा हेलो ठीक है व्हाट इज दिस मार्कर हा दिस इज मार्कर। बोलिए दिस इज मार्कर दिस इज मार्कर ये पहला दिन है इस बच्चे का और मेरे ख्याल से नर्सरी में पढ़ते हैं ना कौन स्कूल में पढ़ते हैं पब्लिक में ठीक है वेरी गुड व्हाट इज दिस मार्कर दिस इज मार्कर ओके व्हाट इज दिस बुक दिस इज बुक वेरी गुड व्हाट इज दिस दिस इज नोज दिस दिस इज इज व्हाट व्हाट वेरी गुड देख रहे हैं गाइज मात्र एक से डेढ़ मिनट लगा अभी पूछ रहे थे क्या कि व्हाट इज दिस तो कह रहा था लड़का की मार्कर व्हाट इज दिस तो दिस इज बुक कहने लगा ना पहले बोल रहा था बुक अब बोलने लगा क्या कि दिस इज बुक दिस इज़ मार्कर दिस इज हेयर तो बच्चों को जैसे आप गाइड कीजिएगा ना वैसे ही बच्चे जो है डेवलप करेंगे इसलिए मेरा हमेशा रिक्वेस्ट रहता है स्कूल के संचालकों से प्रिंसिपल से अभिभावकों से कि मेरा लेक्चर सुनिए कि मैं कैसे बच्चों को गाइड कर रहा हूँ और जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ वैसे ही अपने बच्चे को गाइड करना शुरू कर दीजिए अगर आपके बच्चे इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो कहिएगा लिंक में नंबर दिया गया है डायरेक्ट कॉल कीजिएगा कि सर आप गाइड कर रहे हैं बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपको माहौल क्रिएट कर देना है कैसे माहौल क्रिएट करते हैं ये पहले क्लासेज में मैं बता चुका हूं है ना बताया है ना yes, मारे आप फिर एक बार आ जाइए कम 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 फिर एक बार जो है अपने दोस्तों को जो है हेलो हाईओ बोल दीजिए बोलिए हेलो वॉट इज दिस ओके एंड इज दिस ओके वट इज दिस This is here. And what is A for? A for apple. What is B for? B for ball. What is C for? C for cat. And uh, what is Ch for? Ch for chamach. And what is Kha for? Kha for cat. Okay. And uh, what is D for? D for dog. And uh, what is the spelling of Sunday? H-U-N-D-Y Sunday. And uh, what is the spelling of Monday? M-O-N-D-Y um -M -M Monday. Oh. And what is 2 plus 2? Two? 2 plus 2 is 4. Okay. एंड प्लीज मेक टू वर्ड्स फ्रॉम एप्पल ए फॉर एप्पल ए फॉर एप्पल एंड ए फ वेरी गुड चलिए सारे चैप्टर्स जो है बच्चों को पढ़ाए जाते हैं कि बच्चे इंग्लिश में कैसे बात करेंगे बाय मारिया मारिया एंड संस्कार सिंह यो नेम शौर्य सिंह सबको मेरे तरफ से बाय आप लोग भी ध्यान दीजिए रेगुलर बच्चे को क्लास करवाइए बच्चा इंग्लिश हंड्रेड परसेंट बोलेगा ओके okay, चूंकि मैं बच्चों को एडवाइस देता हूं कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं तो मान लीजिए कि किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज दिस हां आपने कह दिया कि दिस इज किताब अगर किताब की अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो क्या कहेंगे दिस इज किताब तो बाद में प्रयास करेंगे कि इसकी इंग्लिश क्या होती है मैडम से पूछेंगे सर लोगों से पूछेंगे मम्मी पापा से पूछेंगे भैया से पूछेंगे जो भी आपके परिवार में होगा सबसे पूछेंगे।, पूछेंगे ना वेरी ना। गुड आपके पापा डॉक्टर है ना व्हाट्स योर फादर्स नेम ओके डॉक्टर पंकज कुमार सिंह वेरी गुड आज मेरे पास आइए तो अपने दोस्तों को बोल दीजिए अभी मैं पूछूंगा कि व्हाट्स द नेम ऑफ योर फादर इधर आइए वट इज द नेम ऑफ योर फादर पंकज कुमार सिंह ओके डॉक्टर पंकज कुमार सिंह थैंक यू ओके चलिए जय अब आइए हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं बेटा मेरे कहने का मतलब था सब लोगों से आप लोग अगर मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो आप लोगों से भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि बोलते समय शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं बोलते समय शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं।, नहीं, नहीं बाद में पूछ लेंगे Okay, क्या पूछेंगे तो ये रहा मास्टर क्वेश्चन इसी पर क्वेश्चन अरेंज कर लेंगे जैसे ध्यान दीजिएगा बोलेंगे कि व्हाट इज इंग्लिश ऑफ आ किताब नहीं व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ किताब यानी कि व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ किताब यानी कि किताब की इंग्लिश क्या? क्या होती है राइट right? yes, पूछेंगे व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ पंखा व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ जूता व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ चप्पल व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ कलम व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ मकान व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ दुकान बोलेंगे ना बोलेंगे ना व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ सड़क बोलेंगे ना कोई दिक्कत no, यानी कि बोलते समय शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं राइट right? याद रहेगा वेरी गुड तो जैसे मैंने क्वेश्चन करे कि व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ किताब तो आंसर कैसे देंगे बेटा वेरी गुड डायरेक्ट बोलेंगे बेटा कि बुक क्या बोलेंगे बुक ठीक है बेटा या और मैंने होता है या कोई पूछता है कि व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ किताब तो कहिए कि बुक आ नहीं तो कहिए कि दी दी इंग्लिश ऑफ नहीं किताब द इंग्लिश ऑफ किताब इज बुक वेरी सिंपल व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ पंखा तो कहिए कि फाइन आ नहीं तो कहिए कि द इंग्लिश ऑफ फाइन सॉरी किताब सॉरी द इंग्लिश ऑफ पंखा इज फाइन कोई पूछता है कि व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ पंखा तो क्या बोलेंगे हा द इंग्लिश ऑफ पंखा पंखा इज फाइन समझ आ रही है कोई पूछा कि व्हाट इज दिस तो कहे कि दिस इज गाल चिक नहीं जानते हैं तो बोले कि दिस इज गाल बाद में प्रयास कीजिए पापा से पूछिए मम्मी से पूछिए दादा दादी से पूछिए मैडम लोग से पूछिए टीचर से पूछिए कि मैडम व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ गाल तो मैडम बोलेगी चिक चाहे मैडम बताएगी कि द इंग्लिश ऑफ गाल इज चिक व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ काल व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ बाल? व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ नाक व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ आंख अब तो आसान हो गया व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ कुर्सी अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ कुर्सी तो बोलिएगा कि चेयर और नहीं तो बोलिए कि द इंग्लिश ऑफ द इंग्लिश ऑफ कुर्सी इज चेयर कंसेप्ट समझ में आ गया मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कि आज का कंसेप्ट क्या है वेरी गुड अब एक और चैप्टर इसके साथ साथ हम लोग पढ़ लेते हैं right? राइट बिल्कुल आसान है क्या चैप्टर है तो ध्यान देना बेटा देखो बेटा बिफोर क्या लिखे हैं बेटा बिफोर मतलब क्या होता है? बड़ा है अच्छा कौन बता दिया बिफोर मैंने पढ़ा देखिए घबड़ाना नहीं है क्योंकि नर्सरी एल के जी के जी के बच्चे हैं इसलिए गलती करते हैं बेटा बिफोर मतलब बड़ा नहीं होता है बिफोर मतलब होता है के सामने क्या होता है के सामने या के पहले, पहले। ठीक है अब जो हम करेंगे क्या तो ये जान लीजिए बिफोर के मदद से हम दो क्वेश्चन बनाएंगे कितने क्वेश्चन बनाएंगे बेटा हाँ पहला क्वेश्चन ट कम्स ठीक है वाट कम्स बिफोर डॉट डॉट और क्वेश्चन मार्क राइट और दूसरा क्वेश्चन होगा नहीं व्हाट कम बिफोर डॉ डॉट क्वेश्चन मार्क ध्यान दीजिएगा बेटा ये दोनों क्वेश्चन सेम है क्या बेटा एकदम सेम है अंतर एक जगह है तो कहां है तो याद देखिए यहां पर एस लगा हुआ है और यहां पर एस नहीं लगा, नहीं लगा हुआ है बाकी सब सेम है ठीक है कोई दिक्कत चलिए तो ये पहला वाला जो क्वेश्चन है व्हाट कम्स इसका हिंदी क्या होगा ये जान लेते हैं पहले जब कहे कि व्हाट कम्स इसका मतलब होता है बेटा क्या आता है क्या आता है और यहां तरह के व्हाट कम इसका हिंदी होगा नहीं क्या क्या आता है हाँ ये अंतर है बेटा ठीक है सिर्फ यहां पर क्या लग गया है एस लग गया है सिंगुलर हो गया है मतलब क्या आता है किसी एक के बारे में चर्चा हो रही है लेकिन यहां कर दिया क्या चीज एस यहां से हटा दिया गायब कर दिया तो ज्यादा की बात कर रहा है ज्यादा की चर्चा कर रहा है मतलब क्या क्या आता है राइट जब इस पर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम हाँ लोग बात करना सीखेंगे ठीक है, है? चलिए अब देखिए अगर हम ऐसे क्वेश्चन कर दे वाट कम्स बिफोर टू ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कर रहा है व्हाट कम्स बिफोर टू यानी कि टू के पहले क्या आता है क्योंकि इसमें देखिए तो एस लगा है ना कॉम में क्या लगा है एस लगा है मतलब टू के पहले चूंकि बिफोर माने क्या होता है के पहले मतलब टू के पहले क्या आता है चूंकि एस लगा है तो देखिए एस वाले के हिंदी निकलता है क्या आता है यानी कि टू के पहले क्या आता है तो आंसर क्या बताएंगे वन आता है आंसर में क्या कहेंगे one. हाँ तो कहेंगे यहां पर हां वन वन कम्स बिफोर टू यानी कि टू के पहले वन आता है बन जाएगा अब हम ये भी तो पूछ सकते हैं कि व्हाट कम्स बिफोर टेन व्हाट कम्स बिफोर फाइव व्हाट कम्स बिफोर सेवन व्हाट कम्स बिफोर फिफ्टी व्हाट कम्स बिफोर ट्वेंटी कंसेप्ट क्लियर अब आप लोग पूछ सकते हैं yes, और इंग्लिश में बात भी कर सकते हैं है yes, ना yes, आइए हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं यानी कि ये पहला क्वेश्चन था और ये दूसरा तो दूसरा क्वेश्चन के तरफ थोड़ा सा हम ध्यान देंगे बेटा कम बिफोर टू सेम क्वेश्चन बेटा अब इसका हिंदी क्या निकलेगा बताओ करेक्ट व्हाट कम देखो यहां एस नहीं लगा हुआ है तो एस यहां नहीं लगा हुआ है इस क्वेश्चन में तो इसका हिंदी क्या निकलेगा क्या क्या आता है यानी कि टू के पहले तो क्या, क्या क्या आता है तो आप बताओ क्या क्या आता है हा वन आता है और जीरो आता है आता है ना कोई दिक्कत तो, तो अब हम आंसर कैसे देंगे बेटा हां कहेंगे जीरो एंड, और जीरो एंड वन हाँ कहेंगे जीरो एंड वन फोर टू यानी कि क्या आता है बेटा हाँ टू के पहले जीरो आता है और वन आता है वेरी सिंपल कंसेप्ट क्लियर हो गया हाँ। अब हम सवाल कर दें यहां पर जहां टू कह रहे हैं कि टू के पहले क्या क्या आता है हम ये भी तो कह सकते हैं कि फोर के पहले क्या क्या आता है फाइव के पहले क्या क्या आता है टेन के, के, के पहले क्या क्या आता है एट के पहले क्या क्या आता है सिक्स सिक्स के पहले क्या क्या आता है ट्वेंटी के पहले क्या क्या आता है तो ट्वेंटी के पहले जितना भी जो है डिजिट होता है सबकी चर्चा करना पड़ेगा सबकी चर्चा करना पड़ेगा जैसे अगर हम कह दें कि व्हाट कम बिफोर टू मतलब टू के पहले, two. Two पहले क्या, क्या क्या आता है two. ये हो गया डाट टू के पहले तो हो गया बेटा अगर हम कह दें कि व्हाट कम बिफोर फाइव यहां फाइव कर दे two. क्या कर दे बेटा अगर हम यहां टू के जगह पर यहां टू के जगह पर टू के जगह पर हम फाइव कर दें कि वॉट कम बिफोर फाइव तब तो क्या कहेंगे यस तो yes! या कहेंगे जीरो जी जी वन टू टू थ्री एंड फोर कम बिफोर फाइव इतना बोलना पड़ेगा ना कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आज हम लोगों ने दो चैप्टर सीखा पहला बिफोर हाँ, मतलब के पहले कल हम लोग पढ़ेंगे जस्ट बिफोर मतलब के ठीक पहले ये कल का चैप्टर होगा कंटिन्यू जो है जुड़े रहिए आप और जो है इसके पहले हम लोग क्या पढ़े बेटा व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ गाय व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ बछड़ा व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ भैंस व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ हाथी व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ घोड़ा जिस चीज का इंग्लिश नहीं जानते हैं धड़ल्ले पूछ लेना है मैडम लोगों से सर लोगों से अपने पापा से मम्मी से दादा से दादी से लेकिन शब्द के लिए रुकना नहीं है और भाषा के लिए झुकना नहीं है बोलते समय बोल रहा है कि दिसी जूता दिसी चप्पल पूछना है पापा से पापा वेर इज माई जूता वेर इज माई चप्पल वेर इज माई कुर्सी वेर इज माई किताब बोलते समय इंग्लिश में बोल देना है बाद में पूछना है कि व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ किताब व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ जूता व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ चप्पल ऐसे जो है धीरे 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 एकदम हम लोग मस्त इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे तो रेडी आप लोग तैयार है आप लोग रेडी चलिए इसी जोश जुनून के साथ आज का क्लास हम लोग समाप्त करेंगे और फिर मिलेंगे अगले दिन तब तक ले लेना चाहूंगा एक छोटा सा ब्रेक थैंक यू हैव अ नाइस डे बाय बाय द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग योर ड्रीम्स इज हैविंग द राइट कोच गेट द बेस्ट एजुकेशन विद इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी एंड मेक योर स्पोकन इंग्लिश ड्रीम्स कम ट्रू डाउनलोड द ऐप नाउ